धरि असुर सहारे रामचंद्र के शिव चमके तेज तिलक तलवार शिवाजी ओ शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य चढ़ला कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सनी सो गाइस, आज हम आए हुए थे बागेश्वर धाम सरकार। तो भाई आज हम आपको मिलाने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से, तो हम उनके पास जाएंगे। और पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम किस प्रकार से बस और ट्रेनों में बैठ कर रिक्शा में बैठ कर इतने दूर आए, राजस्थान से यहाँ मध्य प्रदेश से आए। अब मध्य प्रदेश में हमें ये धाम किस प्रकार की लगती है, क्या सच में हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी मिलते हैं? देखिए भाई, यहाँ पर कितने नारियल है, नारियल ही नारियल है चारों तरफ। और इसके अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं, बैठते हैं, तो बभूति यहाँ पर अंदर मिलती है। बभूति लेने के लिए देख सकते हो यार, इतनी लंबी लंबी कतारें हैं यहाँ पर। यह है बागेश्वर धाम का मंदिर, देखो भाई कितनी भीड़ है अंदर, मतलब मस्त मस्त सीन हो रखे हैं यार देखो। तो दोस्तों, हमने अर्जी अपने तरीके से तो लगा ली है, लेकिन यहाँ कार्यालय की तरफ से इधर से भी लगानी पड़ेगी कुछ फोटो वोटो, नाम वाम ये कुछ लेते हैं, तो देखते हैं अभी क्या सीन है। तो दोस्तों, कार्यालय में हमें बताया गया कि आपको धाम के अंदर वहाँ बैठ जाना है, वह राम नाम का जाप करना है, जिससे कि आपका नंबर आराम से आ जाएगा, आपको बुला लेंगे नाम लेकर। लेकिन अगर आपके कोई गंभीर समस्या है, सीरियस पेशेंट है, तो आप उनकी फ़ोटो निकलवाइए, फ़ोटो पर नाम पता लिखिए और वहाँ पर जमा करवानी है। तो हमारे मेरा भाई सीरियस ही है, तो फ़ोटो निकलवाइए, हमने ये नाम पता लिख रहे हैं उस फोटो के ऊपर। फ़ोटो निकलवाइए अपने भाई की और मेरी, अपना नाम पता सारा लिख दिया है। अब हमें मंदिर के अंदर जाना है, बालाजी के फेरी लगानी है। वह हम जो नारियल लेकर आए थे ना घर घर से, वो नारियल ऊपर बांधना है, जिससे हमारी यहाँ पर भी अर्जी लग जाएगी, घर पर भी अर्जी लग गई, और ये फोटो दे देंगे तो सारा काम हो जाएगा। श्री बागेश्वर धाम कार्यालय से भी बातचीत कर लेते हैं, और भी कुछ हमें करना चाहिए क्या। उस कार्यालय पर हमारे मार्गदर्शन किए गए कि आपको ये फोटो एक नंबर कार्यालय में जमा करानी है, और वहाँ से बभूति लेकर पेशेंट के पास पहुँचानी है, बालाजी के फेरी लगानी है। वह आज धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ बैठेंगे, हो सकता है वो आपको बुला ले, आपसे बात करे, तो हमें लगता है कि हाँ ऐसा होगा। गाइस, हम जा रहे हैं बभूति लेने, देख सकते हो पीछे लाइन है। ये है यहाँ का पुराना राम दरबार, वो फोटो अंदर जमा करा दिए गाइस राम दरबार के, और ये बभूति ले ली अंदर से। और अब हमें जल्दी से जल्दी फेरी लगानी है बालाजी के, और फिर हम धाम के अंदर बैठेंगे, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं 1 बजे। ये भाई बालाजी के मंदिर जा रहे हैं हम, जो बोलो बागेश्वर धाम की। तो गाइस, हम बालाजी के फेरी लगाने के लिए अंदर जा रहे हैं, बोलो बागेश्वर धाम की। तो गाइस, अंदर वीडियो बनाना बंद है, इसलिए कैमरा को यही बंद कर रहे हैं, तो मिलते हैं वापस। A few moments later. गाइस, बालाजी के दर्शन करके तो भाई मजा आ गया वहाँ भाई, इतने शानदार लम्हे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अंदर वीडियो नहीं बनाने दिया उन्होंने, बाहर ही मना कर दिया कि अंदर वीडियो नहीं बना सकते, तो हम उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते। हमने कहा ठीक है भाई, नहीं बनाएंगे वीडियो, तो अभी आ जाओ, अभी देखते हैं हम किधर जाते हैं। अगर आप घर से नारियल नहीं लेकर आते हो ना, तो यहाँ पर अपने नारियल बंधवा सकते हो, और अगर आपको यहाँ से भी नहीं बंधवाना तो आप मार्केट से ले सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, 30 रुपये का एक नारियल मिलेगा। यहाँ पर कपड़ा एकदम बांधा हुआ, देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग नारियल है, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा व काला कपड़ा, जैसी आपकी इच्छा वैसा ले सकते हो। गाइस, अभी हम जा रहे हैं दिव्य दरबार में, यहाँ पर देख सकते हो मेले के जैसे दुकानें रहती है, मतलब कोई मेला लगा हुआ होता है ना, वैसे दुकानें रहती है दिन और रात। दिव्य दरबार इधर था, लेकिन अभी नया बना है दिव्य दरबार, देखो वो वहाँ पर है। क्या अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठे हैं, देखिए इधर से देखते हैं। गाइस, ये है नया दरबार, अभी एकदम पूरा खाली है, और देख सकते हो लोग वहाँ पर और यहाँ नीचे। कितने बजे खुलेगा? लोगों को धूप लग रही है, इसीलिए क्या क्या ऑर्डर कर लाइनों में खड़े हैं यार, इतने बेसब्री से इंतजार है यार। आ गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, आ दो। देखो गाइस, लोग किस प्रकार से घुस रहे हैं अंदर, गेट बंद कर दिया फिर से, गेट बंद है, अभी गेट खुला था थोड़ी देर के लिए, अभी और खुलेगा, गेट खुल गया गाइस। बोलो साधु बाबा की, बोलो बागेश्वर धाम की। जीत अब चाहे जिंदगी।
भीड़ में से तो नहीं जा पाऊंगा, मैं जाऊंगा ऊपर से। देखो पंडाल पूरा खाली है अंदर और इस प्रकार से जा रहे हैं लोग। बोलो बागेश्वर धाम की। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये प्यारा सा लड़का मिला है यहाँ पर जो पानी की बोतलें बेचता है यार। हमारा नंबर भी आ गया इतनी देर के बाद यहाँ पर। धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठेंगे, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं अपन। देखो यार इतने आगे आ चुके हैं हम, पब्लिक देखो जस्ट इस पंडाल में बैठेंगे वहाँ पर। जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो बालाजी महाराज की। 6.5 hours later. अभी मैं आ चुका हूँ वीआईपी लाइन में, देख सकते हो यहाँ पर बैठेंगे अपने गुरुजी। मतलब इतना पास आ चुका हूँ और मुझे लग रहा है कोई ये अच्छा सपना है कि मैं इतना पास हो चुका हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी को इतने पास से देखा था मैंने पहले, लेकिन उसका वीडियो नहीं है मेरे पास, तो अभी बनाएंगे वीडियो। देखो भाई देखो, मेरे घर में परेशानियाँ दिक्कत उन सबको दूर करने के लिए मेरी मम्मी ने भेजा था मुझे यहाँ पर कि अपना नंबर आ जाएगा। पर्ची भी लिखी थी और मतलब सब कुछ काम हो गया था और मैं अभी आया हुआ हूँ बाकी सब काम। तो भैया देखो पास ही है धीरेन्द्र शास्त्री जी हो रहे। देखो भाई जा रहे बबूती भेज चलो दरबार शुरू। आओ माताई बैठ जाओ, प्राण खाओ आओ विराज जाओ। जी भाई जा बैठ जाओ भाई। यहाँ तो अब वी आई पी मूवमेंट बंद है, वहाँ चलेगा वी आई पी मूवमेंट। कोई वी आई पी नहीं है भाई इनके लिए, सब बराबर है, सब बराबर है। अच्छा अच्छे से जाओ फिर अब आई हो गए बहुत अच्छे, हमने देख लिया। आते रहना ये बिहार पटना वाले कहाँ गए भैया जिन्होंने फोटो भेजी वाल्मीकि पासवान। कहाँ तजी चरण तुम्हारे, चमक देखो भाई चेहरे पर। कहाँ नहीं वो माता जी, नहीं 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 इनको तो अर्जी लगानी, उन्हें माता जी को कुछ बताना था। कान रहा। अच्छा चोट लग गई, हाँ एक्सीडेंट चोट लग गई है, हाँ ठीक है। हाँ उन्हीं के कारण पिता को दिक्कत बनी, नस का जकड़न बना, दवा असर नहीं करती है। भाई को भी दिक्कत बनी, विवाह में भी रुकावट बनाई, कार्य को भी रोक दिया व मंगल काज के साथ ही एक एक करके आना है। बात करने के लिए रुकना नहीं है, आशीर्वाद लेना है, भगवती लेनी है और निकल जाना है। ठीक गुरु जी मेरे जस्ट पीछे हैं यार, गुरु भगवान की जय। गुरु जी मेरे भाई को आशीर्वाद दो। गुरु जी मेरे भाई को आशीर्वाद दो। चलो गुरु जी। सो गाइस वहाँ की सिक्योरिटी हम सबको वहाँ से बाहर निकाल रही थी और गुरुजी है वो सबके चेहरे देखकर बता रहे थे तुम्हारी मम्मी बीमार है ठीक हो जाएगी, तुम्हारे पापा बीमार है ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो जाएगी, तो ऐसे सबको बता रहे थे। तो मेरी बारी नहीं आई, मैंने काफी कोशिश की कि मुझे भी कुछ बता दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं परेशान होकर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही मैं जाने लगा तभी गुरुजी के पीछे से आवाज आई और गुरुजी ने मुझसे कहा बीमार है, उन तक भभूति पहुंचाकर हम सेना मिलते हैं।
ऐसा सुनते मेरे तो तोते उड़ गए और मेरे खुशी के आंसू आने लगे। गुरुजी मुझे जानते नहीं हो, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा भाई बीमार है ना, यहाँ से भभूति लेके जाना, उसके पास जल्दी से पहुंचा देना, हम अपनी सेना भेज देंगे। तो गुरुजी ने कहा कि अभी बीमार है, हम अपनी सेना भेज देंगे, तुम भभूति पहुंचा दो उनके पास। तो भाई मेरे पता नहीं किसके आंसू आ गए, किसी के आ गए, मतलब मुकदर ले लो। 4-5 सेकंड तक उन्होंने मुझसे बातें की वहां पर, इसका वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं पूछने में रह गया था भाई। और इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। पसंद आया तो लाइक करें। बाय बाय।